चलो कैटो की वीडियो बनाए। आज आज हमारे पीछे आ जाइए, हमारे पीछे आ जाइए। खाना खा रही है आज। ये खाली जो नूर खा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मिना हिलरफा व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम ये लग शुक्र है ठीक हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना वो बच्चे इंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम, और बच्चों के साथ साथ आज मैं भी इंजॉय कर रही थी। अच्छा, उसके बाद आज था सैटरडे, और यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्रेश सब्ज़ियाँ आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनको जो है ना वो अच्छे तरीके से मैंने सब्जियों को वॉश करके तो कट करके रख लिया है। इस तरह से बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए, खाना वगैरह बनाना है, वेजिटेबल राइस बनाने हो, मिक्स सब्ज़ी बनानी हो, मैक्रोनी पास्ता कुछ भी बनाना है ना, तो ये सारी सब्ज़ियाँ मेरे पास कटिंग में मौजूद हैं। थोड़ी थोड़ी सी निकाली और आराम से जो है ना वो खाना बना लूँगी मैं। तो मटर जो है वो 1 किलो मटर थे, वो मुझे मिनाहिल ने जो है वो निकाल दिए थे, तो वो मेरे लिए आसान हो गया। उन मटरों को भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके तो फ्रीज़ कर दिया। और बाकी यहाँ पे शिमला मिर्चें थी मेरे पास, और साथ में जो है वो गाजर, बंद गोभी, तो सारी चीज़ों को जो है ना इस तरह की मैंने कटिंग की है कि अगर मैं मैक्रोनी में डालूँ या किसी भी चीज़ में अगर मैं यूज़ करूँ तो बारीक बारीक से फाइन से कटिंग कर दी है मैंने। तो यहाँ पे मैं मुसलसल कटिंग कर करके, और छुरी भी मैंने बिल्कुल न्यू ली थी, तो मेरे हाथ में जैसे कर्स लग गए, तो मैंने कहा ये तो बड़ा काम मुश्किल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे भी कटिंग बोर्ड ले लिया। वैसे मुझे कटिंग बोर्ड पे जो है ना वो इतना इजी नहीं लगता कटिंग करना, लेकिन जो है ना वो मैंने कहा कि बस अब मेरे हाथों की बस हो गई है, तो अब इस पर मैं कर लेती हूँ। मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए मुझे इतना ईजी नहीं लगता इस पर कटिंग करना। तो अगर प्रैक्टिस हो तो फिर ज़ाहिर बंदा कर लेता है। तो बस यहाँ पे इसकी भी अच्छी फाइन कटिंग कर ली। और यकीन करें ये जो होती है ना काम, छोटे छोटे से टाइम तो लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन बाद में जो आपको सुकून मिलता है ना, सुकून क्या आसानी हो जाती है ना कि जल्दी जल्दी से बना लो। अगर शहरी में अगर आपको सालन की ज़रूरत है तो उस टाइम पे भी आप बना सकते हो, चीज़ें रेडी हो तो। लहसुन अदरक का पेस्ट बना चुकी हूँ मैं, और टमाटर की प्यूरी भी मैंने बना के रख ली है। तो वैसे तो जो है ना मेरी, तो आपको पता है कि वैसे भी आम रूटीन में भी जो है ये कोशिश होती है कि मैं सब्ज़ियाँ वगैरह बना के रख लूँ, लेकिन रमज़ान में तो स्पेशली ना। और फ्राई चीज़ें अभी मैंने फ़िलहाल कोई भी नहीं बनाई, इवन शामी कबाब भी नहीं बना के रखे ना, तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा, बस चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मटर्स, इनको भी मैंने अच्छे तरीके से धो के तो फ्रीज़ कर दिया है। इस तरह से मेरे पास जिप लॉक बैग्स नहीं थे, तो मैंने जो है ना वो सिंपल ही साफ़ सुथरे शॉपर्स लेके तो इसके अंदर इन चीज़ों को रख दिया है। तो ये काम भी जो है ना वो मेरा शुक्र अल्लाह का आज डन हो गया है। तो बस छोटे छोटे से काम है होते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। तो आज हम लोग हफ्ताबाजार से वाटर कैन लेके आए थे, तो ये मिनाहिल के वाटर कैन और ये मेरी वाटर कैन है। मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मम्मा से बोला मम्मा मुझे तो पिंक कलर की वाटर कैन ही चाहिए। तो इसमें मैं आपको दोनों वाटर कैन दिखाती हूँ। सबसे पहले ये पिंक वाटर कैन है, इट्स सो क्यूट। इसमें देखिए, इसमें आप बर्फ जमा सकते हो। अगर गर्मियाँ होगी तो आपको मतलब प्यास लगती होती है और आपका पानी गर्म हो जाता है, तो अगर इसमें आप बर्फ जमा के लेकर जाओगे तो आपको पानी ठंडा रहेगा। तो ये बहुत क्यूट भी है और इसमें स्ट्रॉ भी लगा हुआ है। आपको कैसी लगी, मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। अब मैं आपको इनकी रेट बता देती हूँ, क्योंकि बहुत मुनासिब रेट है। ये 300 की थी और ये 250 की, और ये बहुत क्यूट है। मिनाहिल के बैग साथ मैच है, मेरे बैग पिंक है क्योंकि मेरा फेवरेट कलर पिंक है, इसलिए मैंने ना पिंक कलर की वाटर कैन ली थी। पिंक इज माय फेवरेट कलर, एंड ये मिनाहिल का है, मिनाहिल का फेवरेट कलर ब्लू और ब्लैक है, इसलिए मैंने ये ली। लेकिन
लेकिन हमें वो मिल नहीं रही थी ब्लैक कलर की, क्योंकि मेरा का बैग ब्लैक है, इसलिए मेरे को ये मिली तो मैंने बोला सो हम लोग ये ले लेंगे। तो आपको ये कैसी लगी वाटर कैन? आपने मेरे के लिए ब्यूटी मोम वाटर कैन ले किया ना? ओके नेरा, आप अपनी चेयर दिखाओ। कहना था कमेंट करके पाया तो कैसे लगी, चलो कोई बात नहीं, जो सही वाला बना लो तो बिल्ली जो खराब मगर जब भी वीडियो चली हुई है तो मैं एडिट कर लूंगी। अच्छा गाइस, तो कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी हमारी वाटर कैन, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट किया करें। तब मैं आपको लगा के चेयर दिखाती हूँ, ये रखे चेयर हमने उदा के लिए लिया है, ये भी उदा से भी लिया, इतनी छोटी सी चेयर मुझे ना देख रही तोड़ दूंगी, सिर्फ क्यों से लगती है ये भी की मिट्टी। अच्छा जी, उसके बाद ये था नेक्स्ट डे। यहाँ पे जो मैंने टमाटर लेके ना उनको इस तरह से बॉयल कट लगा लिए, पहले कट इसलिए लगाए कि छिलका रिमूव करने में आसानी रहेगी, और उसके बाद इसको एक दो बॉयल मतलब थोड़ी देर पकाना है, जब बॉयल आ जाए अच्छे तरीके से तो ये आप देख सकते हैं खुद ही ऊपर से सारा इसका छिलका रिमूव हो जाता है। इसका जो छिलका है ना वो वैसे भी हेल्दी नहीं होता, तो आम रूटीन में भी आप टमाटर यूज़ करें तो छिलका रिमूव कर लिया करें, और इस तरह से देखिए कितने आराम से उतर गया है। तो इसकी भी मैंने सोचा कि इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ ताकि जो है ना वो मुझे आसानी हो जाए। तो वैसे भी मैं टमाटर और हरी मिर्चें जो है वो इकट्ठी डालती हूँ, चॉप करके बिरयानी में डालूँ, कढ़ाई गोश्त चिकन कढ़ाई में जिस चीज़ में भी मैं यूज़ करती हूँ ना, तो मैं टमाटर और हरी मिर्चें इकट्ठे ही ब्लेंड करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये हरी मिर्चें ना इसका भी साथ ही पेस्ट बना के ना तो रख लेती हूँ। तो आराम से जो है ना एक लहसुन अदरक का क्यूब डाला, एक टमाटर हरी मिर्चों का डाला, और मेरे लिए जो है ना वो हांडी बनाना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तकरीबन 10-15 दिन का तो ये हो जाएगा काफ़ी, उसके बाद मैं फिर फ्रेश बना लूँगी ना, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसकी प्यूरी बना के रख ली है। तो बस ये छोटी छोटी सी तैयारियां तो मेरी चल रही हैं, और बस इतना मुझसे होता है, कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें अभी भी मेरी रह गई हैं जो मैं नहीं कर सकी, और मैंने सोचा हुआ था कर लूँगी रमज़ान से पहले पहले, लेकिन अब क्या करूँ। अच्छा, ये मैं न्यू बॉक्स लेके आई थी हफ्ता बाज़ार से, मुझे बड़ा क्यूट लगा तो मैंने कहा चलो आज मैं इसी के अंदर इसको मैं जो है ना वो डालती हूँ। ये जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो मैं इसको कट करके ना तो क्यूब्स बना के रख लूँगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरा फ्रिज जो है वो साफ़ होने वाला है, अंदर से तो मैंने नहीं किया, वो साफ़ ही था सारा, बाहर से अच्छे तरीके से कर लिया जो है ना वो इस तरह से सारी डस्ट वगैरह जो भी होती है, हाथ लग जाते हैं हम अचानक ऑयली या इस तरह के हाथ लग जाते हैं फ्रिज पे, तो वो सारा मैंने इस तरीके से साफ़ कर लिया। और बाकी जो है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा जैसे हर चीज़ बाहर निकाल के इस तरह से नहीं किया, बस इस तरह से जो है ना वो मैंने, अब टाइम भी बहुत शॉर्ट रह गया है, और आज वैसे भी मैंने वॉशिंग का भी काफ़ी काम किया था, सारे अपने जायनमाज़ वगैरह वॉश किए, कपड़े का कमरे का जो पर्दा है ना वो वॉश होने वाला था वो भी कर लिया, तो इसके साथ साथ अपने फ्रिज को भी बाहर से जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। तो फिर जो है ना वो बस मैंने कहा काफ़ी है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जो है ना वो इमली भी भिगो दी हुई थी, मैंने कहा आज ही इमली की चटनी बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी नाहिल मुझे बार बार कह रही थी कि मामा हो सकता है सुबह रोज़ा हो जाए, मतलब मंडे को रोज़ा हो जाए तो कर लें सारे काम। अच्छा, तो यहाँ पे जी मैं मसाला बॉक्स भी धोने लगी थी, क्योंकि जब मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी तो मसाला बॉक्स मैंने वॉश नहीं किया था, मैंने कहा था ग्रोसरी आएगी ना तो रीफिल करने से पहले कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है वो जो मसाले थे वो मैंने निकाल के तो मसाला बॉक्स भी अच्छे तरीके से वॉश करके तो रख दिया था, चीनी वाला बॉक्स, पत्ती वाला, तो जो 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 चीज़ें मुझे लग रहा था कि अब कर लेती हूँ एक दफ़ा वॉश, वो मैंने, बस मेरा यही है कि एक दफ़ा मैं काम स्टार्ट कर लूँ तो काम मैंने खुद ही बढ़ा ही जाना होता है, रेंड पे थक जाना होता है, तो बस हालाँकि इतनी ज़रूरत भी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ।
तो बस अपनी जो है ना वो मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये सारे काम कर रही होती हैं, और अच्छा भी लगता है। पता थोड़ा थक तो जाता है, जाहिर सी बात है, और रोज़ डेली रूटीन के भी काम करने हैं, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी हो रहे होते हैं, थकावट तो हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इस तरह से इमली के जो भिगो के रखी थी ना, तकरीबन 2 घंटे मैंने भिगो के रखी, उसके बाद मैंने इस तरह स्ट्रेनर में इसका सारा पल्प अच्छे तरीके से निकाल लिया। पानी ऐड करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा, और अच्छे तरीके से जो है ना वो इसका पल्प मैं निकालूंगी। तकरीबन 1 पाव मेरे पास इमली थी, और बाकी जो है ना वो उसके बाद फिर मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती रही और इसका पल्प निकालती रही हूँ। तो इमली की चटनी जो है ना वो मेरे पास गुड़ नहीं था, थोड़ा सा गुड़ शामिल कर लें तो बड़ी ज़बरदस्त बनती है, तो मेरे पास जो है वो चीनी ही थी। तो मैंने फिलहाल उसी के साथ, देखिए कितना ज़बरदस्त अच्छे तरीके से मैंने इसका पल्प निकाल लिया। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। तो इमली की जब आप चटनी बनाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि जो चमचा आप यूज़ करते हैं ना उसको पकाने के लिए, वो लकड़ी का होना चाहिए। फिर इमली की जो ये मिनाहिल है चेक कर रही थी, अच्छा फिर जो इमली की चटनी है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होती, और बस ये मैंने भी सुना है और वही बनेगा। चलो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करूँ कि इस तरह से होता है। बाकी यहाँ पे चीनी मैंने अंदाज़े से शामिल की, 3 ढक्कन जो है वो मैंने चीनी की शामिल कर दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा जो है वो क्रश करके वो शामिल कर देना है। और बाकी एक टिप है कि अगर आप जो है ना इस पॉइंट पे थोड़ी सी टाटरी डाल देना तो इमली की चटनी आपकी ख़राब नहीं होती ना। तो जो है ना वो बेशक आप महीना 2 महीने फ्रिज के नीचे वाले खाने में इमली की चटनी रखें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, अगर इसके अंदर टाटरी थोड़ी सी शामिल कर ली जाए इस पॉइंट पे। तो मैंने तो टाटरी नहीं डाली थी भी नहीं घर में, तो बस मैंने यही सिंपल थोड़ा सा काला नमक डाल दिया इस पॉइंट पे, और बड़ी मज़ेदार बहुत अच्छी है बनी थी। थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया था, और मेरी जेठानी है वो बनाती थी ना, तो वो थोड़ी सी इसमें कैचअप भी डाल दी होती थी, तो वो भी बड़ी मज़े की बनाती होती थी इमली की सॉस। बस ऐसे ही है कि हम जो है वो किसी ना किसी की कुकिंग को इस तरह याद करते हैं जब मैं खुद कुकिंग कर रही हूँ तो वही मनाहिल भी मुझे कहती है कि ताई मी बहुत मज़े की इमली की चटनी बनाती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रश चिली भी डाल दी थी, और इसको अच्छे तरीके से कैसे पका लेना है, और जब आँच बंद करनी है ना तब आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, क्योंकि ये जब बाद में भी थोड़ी सी और थिक हो जाती है, तो इसलिए जो है ना बस इस पॉइंट पे आप बंद कर दें आँच। यहाँ पे जी इमली की सॉस भी मैंने रेडी कर ली हुई थी, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कपड़े भी वॉश कर रही थी, तो बस मिनाहिल मेरी बहुत हेल्प कर रही थी, और बस मैंने सारे काम एक ही दिन में स्टार्ट कर लिए। जायनमाज भी वॉश करने थे, तो ये तो खैर मैं बिल्कुल साफ़ पानी में डालती हूँ जायनमाज, और मशीन को भी अच्छे तरीके से वॉश करके फिर वॉश करती हूँ। तो ये ना कपड़ों पे ब्रश इस तरह से फेरना मेरे मुझे बहुत ही बोरिंग भी लगता है और मुश्किल भी लगता है, तो मैंने मिनाइल से कहा मिनाइल आप आके मेरी हेल्प करो और इस तरह से करो ना। तो ये देखिए रूम में पर्दा मैंने उतारा हुआ था, मैंने कहा आज कर्टन भी वॉश कर लेती हूँ, बाकी सारी सी क्लीनिंग होगी डीपली। अरफा ने आज फुल डस्टिंग की और सारा काम तकरीबन हो चुका था। खाना मैंने आज बनाए थे टिंडे, और बस साथ में रोटियां बनानी थी, उसके बाद मेरे काम सारे ख़त्म हो जाने थे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। चलो चलो चलो।